Subscribe now and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मटन कढ़ाई बनाएंगे। इसके लिए हमने 1.5 किलो हमने मटन लिया है, उसे हमने उबाल लिया है ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि ये मटन जो है थोड़ा सख्त होता है, इतनी जल्दी गलता नहीं। इसलिए हमने पहले थोड़ा 90% हमने इसे गाल लिया है। तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने 1 अदद हमने प्याज बड़ा सा लिया है, उसे हमने ग्राइंड कर लिया है, और 4-5 हमने टमाटर लिए हैं, उसे भी हमने ग्राइंड कर लिया है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें हमने इन्हें भी ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने 1 कप तेल डाला है। तेल क्योंकि ज़्यादा डालना पड़ता है, बाद में ज़्यादा हो तो निकाल लेते हैं। तो इसको हम फ्राई करेंगे, इसे हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर अच्छी तरह चेंज हो जाए। गोश्त को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे। प्याज को हमने डाल दिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा सुरख नहीं करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो हमने ग्राइंड करके रखी है वो डालेंगे। 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। हमने लहसुन और अदरक को हमने अच्छी तरह भून लिया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हमने 1.5 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च ली है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने गरम मसाला और 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। ये डालेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है, इसने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे और हम इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे और साथ में हम ये खड़े मसाले डाल लेंगे, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, और ये काली मिर्च है, ये लौंग है, ये दालचीनी है, मसाला है, ये भी साथ में डाल लेंगे और इसे हम 7-8 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह। और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो ये साथ में जो यखनी निकली है, इससे गोश्त हमने बाला था तो ये पानी निकला था, ये हम साथ में ऐड करेंगे। गोश्त को हमने 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भून लिया है, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसे भी डालकर हम अच्छी तरह भून लेंगे। हमने दही डालकर हमने इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। हमारा कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसमें ये थोड़ी मेथी डालेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ में हम ये धनिया डालेंगे। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है और साथ में हम ये अदरक हमने लंबा लंबा काट लिया था, ये डालेंगे और हमारा कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी है।
हमारा मटन कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।